वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम फादर नोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शोली वे हाजिर है बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं और सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा हर रोज हमें ये मौका बख्शता है कि हम खुदा के साथ रफाकत और शरकत रख सकें। अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी इस सारी काविश के लिए कि आप मेरे साथ इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं और आप इसमें शामिल होते हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, जी आया कहते हैं। मैं हर रोज सुबह आपके साथ जब कलाम को बांटता हूं तो मुझे बहुत बड़ी बरकत मिलती है और यकीनन आपको भी खुदा के पाक कलाम से बरकत मिलती है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो बेतासीर नहीं होता। ये कलाम बंद बंद और गुदे गुदे में असर करता है। तो जीजो, खुदा के कलाम से मोहब्बत कीजिए। शरीयत की ये किताब आपके मुंह से कभी ना हटे, इसे आप सबसे ज्यादा अहमियत दिया करें। कल मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी, तो बात हो रही थी जो मेरी खिदमत के 35 साल हैं उनकी बात हो रही थी। तो मुझे कहते हैं, भाई साहब आपने अपनी इस 35 साल जिंदगी में क्या आप समझते हैं कि आपकी सक्सेस में किस चीज का सबसे ज्यादा हाथ है। मैंने उसे एक ही बात कही, मैंने कहा खुदा का कलाम। खुदा के कलाम के बगैर बिल्कुल ये मिनिस्ट्री जो है वो अधूरी और नामकम्मल। अगर मैं समझता हूं कि इसमें मेरी अपनी काबिलियत की बात है, किसी की सपोर्ट की बात है, यकीनन ये चीजें जो है ये अपनी जगह उनकी अहमियत है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो खुदा का कलाम है। क्योंकि जबूर में से कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो मेरी इस 35 साल खिदमत में मैं समझता हूँ कि इस कामयाबी में और सारे सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा मेरे लिए बाबरकत चीज है वो खुदा उनका पाक कलाम है। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा उनके पाक रूह के लिए और उसकी मौजूदगी के लिए, आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। तो अजीजो, आप इस बाइबल मुकद्दस को लीजिए ताकि हम सब मिलकर खुदा का पाक कलाम सीख सकें। आइए खुदावन के जिंदा पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। जबूर 145 उसकी 8 आयत से लेकर 19 आयत तक खुदावन के पाक कलाम को सुनिए। साम 145। खुदावन रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में घनी है। खुदावन सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। आए खुदावन, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावन खिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावन अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावन के जिंदा खूबसूरत कादर बेशबहा कीमती पाक कलाम पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो।
आमीन। आइए दुआ मांगें। खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू झुके हुए को उठा खड़ा करता है, तुम्हें रिस्टोर करता है, तुम्हें बहाल करता है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। हम तेरी परवरदिगारी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। We give you thanks for your providence. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you praise. We honor you. We worship you. We adore you because you are our God. You are our creator. We give you thanks, Heavenly Father. अपनी मुट्ठी खोलता है और तमाम कायनात को सेर आसुदा करता है। Each and everything belongs to you, loving God, because you are the source. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तूने हमें जिंदगी बख्शी है, क्योंकि तू जिंदगी का मंबा है। खुदावन आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी रहनुमाई चाहते हैं, तेरी कुव्वत चाहते हैं, तेरी दानाई चाहते हैं। खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। हम सबके साथ जाते और मुख्य जगहों पर जाते, और शाम को जब हम होटल में वापस आते तो खाना खाने के बाद हम बैठ जाते, बाइबल स्टडी करते, खुदा उनकी स्ताइश करते। तो जो लोग मेरे साथ गए थे उनकी अभी ये दोबारा ख्वाहिश है कि वो जाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि यरूशलेम जाना चाहते हैं, तो जरूर आइए हमें ज्वाइन कीजिए। और अक्टूबर में मैं डेट्स आपको बता दूंगा, तो लेकिन यह कि अक्टूबर का महीना जो है वो जहन में रखिए। तो हम जाएंगे खुदा उनके शहर में यरूशलेम में, और मैंने जैसे बताया कि ये एक हकीकत है, वो जगह अभी भी मौजूद हैं। और देखिए जो यरूशलेम है वो ऐसी एक जगह है कि जब जब उसके जो उसको खोदा जाता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जब उसको खोदते हैं तो कोई ना कोई नई चीज निकलती है, हजारों साल की हिस्ट्री है वहां पर। और मैं तो खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ कि मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा खुदा का फजल, खुदा की मेहरबानी। मैं एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त से, उन्होंने मुझे लिबिया से एक कार्ड भेजा, स्टार ऑफ डेविड। जब मैं कॉलेज में था उस वक्त उन्होंने मुझे वो कार्ड भेजा, और उस कार्ड के ऊपर स्टार ऑफ डेविड की जो तस्वीर थी वो बनी हुई थी, जो पोस्ट कार्ड होते हैं, उन्होंने मुझे वहां से भेजा। तो मैंने उसको बड़ा संभाल के नाम रखा हुआ। तो मैं उसकी बड़ी कदर करता था कि ये चर्दी की तस्वीर है जहां पर खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, और वो स्टार ऑफ डेविड जो वहां पर बना हुआ है। तो मैं वीडियो बना रहा था, बड़ा हैवी किस्म का कैमरा मेरे पास उस वक्त, जो जब हम गए तो कैमरे जो थे वो बड़े बड़े कैमरे होते थे। तो मैं टीवी के लिए वीडियो जो है वो बना रहा था, और मेरा ध्यान जो है वो लोगों की तरफ था, मैं फिल्म बना रहा था। तो अचानक से मेरा ध्यान जो है वो स्टार ऑफ डेविड पे पड़ा, उस चर्नी में उस स्टार पे पड़ा। आप बिलीव करें कि सो हम्बल, मैंने खुदा उनका शुक्र किया। तो मैं तो उसको तस्वीरों में देख रहा था, और आज जगह को मैं खुद देख रहा हूँ। मैंने इसको चूमा, उसको प्यार किया, उस जगह को। जब आप फील करें कि आप जब यरूशलेम में जगह पर जा रहे हो, जगहों पर आप पांव रख रहे हो, कैन यू इमेजिन, क्या पता है खुदा उनके पांव उस जगह पर पड़े हों जिस पर आपके पांव पड़ रहे हैं। खुदा उस धरती पर, उस जगह पर चल रहा था। खुदा उनका शुक्र हो, खुदावन ने हमें ये फजल बख्शा। बहुत सारी गवाहियां हैं इस हवाले से, वक्त की कमी के बायस में सबको शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन हर कदम पर वहां पर आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, नया तजर्बा आपको हासिल होगा, और हमें खुदा ने बड़ी बरकत दी। और ये एक देखिए छोटा सा मुल्क है, लेकिन वहां पर सख्ती बहुत है, इमिग्रेशन की बाकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन आप जब वहां से वापस आते हैं, आप बिलीव करें कि वहां से निकलते ही एयरपोर्ट से जी चाहता है कि नहीं वापस ना जाए। मैंने दुनिया के बहुत सारी जगह देखी हैं, बड़ी खूबसूरत जगह, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, चाइना, कोरिया, खुदा ने बहुत सारी जगहों पे मुझे ये मौका दिया कि मैं जाऊं, बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके दिल में ये चाह तो अच्छा यार मैं इस जगह से वापस जा रहा हूं, तो मैं वापस फिर इसी जगह पर आऊंगा, इसको देखूं, नियाग्रा फॉल, चाइना, बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह थी, यूरोप में बड़ी खूबसूरत जगह है, स्विट्जरलैंड में। लेकिन ये एक ऐसा खिता है, एक ऐसी जगह है कि जहां से आप कदम निकालते हैं एयरपोर्ट पे, आप वापस आते हैं, आपका जी चाहता है नहीं यार मैं यहाँ पर और ठहरना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर और चीजों को देखना चाहता हूँ,
सो दुआ करें कि खुदावन दोबारा हम सबको ये मौका दे कि हम उस जगह पर जाएं और उस जगह को देखें. यू विल डेफिनेटली यू विल ब्लेस बाय दिस ट्रिप. तो जरूर मुझसे रब्ता करें और हम इसको डिजाइन करेंगे और हम सब वहां पर जाएंगे. अखराजात के वाले से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ. लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमने कहा कि नहीं, जितने भी लोग होंगे हम उस खर्चे को डिवाइड नहीं करें. हमने अपने पॉकेट्स, मैंने, मिसेज ने, हमने अपनी पॉकेट से टिकट दी. और अगर अभी आप बुक करवा लेंगे तो आपकी टिकट जो है वो सस्ती होगी, होटल और बाकी चीजें जो है वो नियर द टाइम हम उसको बुक कर लेंगे. लेकिन यह है कि अब अगर 5-6 महीने पहले आप टिकट बुक करवा लेते हैं चार्टर फ्लाइट तो वो आपके लिए चीप होगा ट्रिप. तो हम नहीं चाहते कि इसको एक बिजनेस बनाया जाए, बल्कि ये एक फेलोशिप है, एक अच्छा सा माहौल होना चाहिए, फैमिली ट्रिप हो जहां पर हम सब जाएंगे और खुदा उनकी तारीफ करेंगे, खुदा उनकी स्ताइश करेंगे और उन जगहों को देखेंगे. सो डोंट वरी अबाउट द एक्सपेंसेस, इट विल नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव, इट विल बी अफोर्डेबल, क्योंकि हमने इसको कारोबार नहीं बनाना. तो अजीजों चलते हैं जी, हमारा वक्त हो रहा है देखिए जी कलाम का. और ये भी बड़ी जरूरी है. अच्छा एक और बात भी कि नेक्स्ट संडे हमारी जो खिदमत की जो 35वीं जो एनिवर्सरी है, 35 ईयर्स हो जाएंगे. तो जब से मैंने सेमिनरी में कदम रखा तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, उस दिन से आज तक खुदा ने संभाले रखा. तो हम उसकी शुक्रगुजारी करना चाहते हैं. तो आप हमें ज्वाइन कीजिएगा 8 तारीख को, यानी 8 मई को दोपहर 2 बजे ये प्रोग्राम होगा. तो आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा, खुदा की शुक्रगुजारी हम सब मिलकर करेंगे. तो यूहन्ना का अंजीली बयान उसका 2 बाब उसकी पहली 11 आयात खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे. गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 2:1-11. खुदावन का जिंदा खूबसूरत पाक कलाम सुनिए. फिर तीसरे दिन काने गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी. और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उसे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही. यीशु ने उसे कहा, आए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया. उसकी मां ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो. वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी. यीशु ने कहा, मटकों में पानी भर दो. बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया. फिर से उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ. बस वो ले गए. जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी निकाला था जानते थे. तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पी का छिपके, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है. ये पहला मौजा यीशु ने काने गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए. खुदा उनके जिंदा मौत पर लाख्ता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन. आइए हम दुआ मांगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें. खुदा उन पाक खुदा, तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हुए तेरे सुंदर कदमों में आते हैं, तेरे मुंह की बातों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं. खुदा उन हमारी अकलों को रोशन कर और हमारे ख्यालात को वसत अता फरमा और तेरा कलाम जो खुदा उन पेश किया जाए वो हमारे जहनों में नक्श हो. तेरे पाकरू के लिए तेरा शुक्र करते हैं और प्यार खुदा उन तेरे पाकरू की मामूली चाहते हैं. बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन. अजीजो जिंदगी में नाकामी ये एक बड़ा, मैं समझता हूं कि आम मामला है, चैलेंज है. कोई भी शख्स कहता है कि मैं कभी जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ. हमारी जिंदगी में बहुत दफा ऐसे मौके आते हैं जब हम बर्न आउट हो जाते हैं, कहते हैं जी बस सब कोई उम्मीद नहीं रही. कल मैंने जो
आपके साथ खुदा का पाक कलाम बांटा, और उसमें जो तीसरा पॉइंट था उसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना के अंजीली बयान के 15 बाब में से मैंने जब आपके साथ इस बात को बांटा, खुदा यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से ये फरमाया कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आज हम उसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे कि जब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि खुदा के करने वाले होते हैं और हम उनको करने की कोशिश करते हैं, हमें इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि जो खुदा के काम है वो खुदा को करने दे, और जो हमारे काम है, जो हमारे करने वाले हैं, वो हमें करने चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट, एम्बेरसमेंट उस वक्त होती है, नाकामी उस वक्त होती है जब हम अपने बाजू पर तोकल करते हैं, जब हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, तो फिर हम नाकाम हो जाते हैं। ये जो पहला मौजा है बड़ा खूबसूरत है, बड़े गहरे भेद हैं इसमें, और मैं आज इस थोड़े वक्त में इस तरीके से इस बात को आपके साथ बांटना चाहता हूं कि जब हमारी जिंदगी में मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां आ जाती हैं तो हमें कैसे उनको डील करना चाहिए, हाउ टू हैंडल दीज डिसअपॉइंटमेंट्स, दीज प्रॉब्लम्स, दीज इश्यूज इन आवर लाइव्स, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स। हमारे अंदर एक डिप्रेशन की वजह बन जाती है, ज़हनी दबाव, ज़हनी खिंचाव का सबब बनती है। दिस इज वेरी कॉमन। मैं हैरान हो गया, एक छोटी बच्ची अपनी मां से कह रही थी कि आप मुझे डिप्रेस कर रहे। हमने बचपन में कभी इन बातों को नहीं सोचा था, कभी नहीं, परेशानी मसाइल आते हैं, लेकिन अभी जो बच्चे हैं वो जब ये बात करते हैं आई एम वेरी डिप्रेस तो बड़ा अजीब सा लगता है। बचपन एक बड़ी खूबसूरत एक दौर होता है, तो जब बच्चे ऐसी बातें करें तो यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेटेस्ट जो सर्वे है, रिसर्च है, उसके मुताबिक यह है कि यूके इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। यू बी सरप्राइज, यार ये क्या बात है, हर चीज यहां पर मौजूद है, फिर भी क्यों, ऐसी बात क्यों है। तो ये एक सर्वे रिपोर्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो थोड़ी देर के लिए उन मसाइल और उन मुश्किलात को आप जेर गौर लाएं जो आपको दरपेश हैं, और हर एक को है। खुदा यीशु मसीह इस शादी में थे काना गलील में, और वहां पर जो है लोगों की खातम इदारत की जा रही थी और शादी के मौका था, वो गाए हुए थे, और वहां पर जो मैं है वो खत्म हो गई। अब बहुत दफा मैं इससे पहले कि इस बात को लेकर आगे बढ़ूं, जो लोग शराब नोशी करते हैं वो इसको एक म्यार बना लेते हैं कि देखिए जी, खुदा यीशु मसीह ने भी उस मौजे में उन्होंने जो है वो मैं बनाई। तो अगर आप इस विर्द को ध्यान से पढ़ें, इसको देखें, तो मेरा ख्याल है कि आपकी ये गलतफहमी जो है वो दूर हो जाएगी। तो बढ़ते हम इस विर्द की जानब, कि वहां पर मैं जो है वो खत्म हो गई और वो लोग बड़े परेशान थे। आप सोचिएगा, अगर किसी की शादी में खाना जो है वो खत्म हो जाए और मेहमान जो है वो बैठे हों भी भूखे हों, तो कैसा उस खानदान के लिए ये होगा मसला। तो यहां पर हम मुकस्सा मरियम और खुदा यीशु मसीह के किरदार को देखते हैं कि खूबसूरत, आप कह लें कि एक ड्रामे के तौर पर आप लें। तो वहां पर मेहमान हैं, वहां पर खुदा यीशु मसीह हैं, मुकस्सा मरियम है, और वो यीशु के पास है, और उन्होंने कहा कि आप इन लोगों की इज्जत का ख्याल करें और इनके लिए आप मैं बनाएं। वो उनकी जरूरत से वाकिफ थी, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो शिफायत करते हुए नजर आती है ऑन द बिहाफ ऑफ द फैमिली।
यीशु कि आप उनके लिए कुछ करें। खुदा इस मसीह ने वहां पर उनसे कहा कि ये जो पानी के मटके हैं इनको भर दीजिए। तो वो बात जो पहले मैंने कही कि खुदा इस मसीह ने जो मौजजा किया उसने पानी की तासीर को, उसके एसेंस को, उसके जौहर को बदला। वहां पर खुदा इस मसीह ने कोई मरूरी नहीं लगा ली थी कि वहां पर उन्होंने कोई मैं बनानी शुरू कर दी या प्लांट लगा दिया कि चलो जी अब यहाँ पर जो है ना वो वाइन बनना शुरू हो जाएगी। तो पानी की तासीर को बदला गया और लोगों ने जब उसको पिया तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ मैं है। तो ये बात वो बहन भाई जो कि इस बात को लेकर शराब नोशी को एक म्यार बनाते हैं और फिर वो मुद्दिस की बात करते, उसने खुदा से पूछा कि उसको पालू से सुनते सॉरी, तो पॉलिस ने कहा कि मैदे की खराबी के बारे थोड़ी समझ में लाया था। तो लोग कहते हैं लो जी अब जितने भी लोग हैं उनको ज्यादातर हार्ट की प्रॉब्लम हो, मैं तो बीमारी की वजह से पीता हूं। तो ये कोई म्यार नहीं है, ये मैं एक गलतफहमी जो है उसको दूर करना चाहता था। तो खुदावंद मसीह जो है उन्होंने ये मौजा वहां पर किया और खुदावंद ने उनकी फिक्र की, उनकी इज्जत की। अजीजो यहां पर कुछ अहम बातें हैं जिनको हमें सीखने की जरूरत है। पहली बात यह है कि क्या हम खुदावन पर भरोसा करते हैं या नहीं, क्या हम अपने वसाइल पर, अपनी कुवत पर भरोसा करते हैं। खुदावन जो है उसकी मौजूदगी हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। इन योर प्रॉब्लम्स, इन योर इश्यूज, In your celebration, all sort of the situation, presence of Jesus Christ is very, very important. मैंने इस बात का तजुर्बा किया है। मेरे जो वो 35 साल जो बातें ना तजुर्बात हैं वो भी सामने आ रही हैं। मैंने देखा कि लोग जब शादी का फंक्शन होता है, कोई बर्थडे होती है, तो वो आके कहते हैं भाई साहब बस छोटी सी दुआ कीजिएगा, बात को जल्दी जल्दी खत्म कीजिएगा। और फिर डांस के लिए, सेलिब्रेशन के लिए कोई वक्त कैद नहीं, धक्के दे देकर निकालने वाली बात होती है। चले जी अब टाइम हो गया है, खत्म करें इस बात को। और दुआ के लिए कि बस थोड़ा सा बस ऐसे हल्की सी दुआ कर दें। हम अपनी सेलिब्रेशन में खुदावन को ये शुक्रगुजारी का मौका होता है, चाहे वो वेडिंग एनिवर्सरी है, चाहे किसी का शादी का फंक्शन है, बच्चे की बर्थडे है, कोई भी ऐसी खुशी का मौका है, तो हमें खुदावन को अव्वल दर्जा देना चाहिए, खुदावन को मौका देना चाहिए, उसकी बातें सुननी चाहिए, उसके काम को देखना चाहिए। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह की जो प्रेजेंस है, The presence of Jesus Christ is very, very crucial and beneficial. जब यीशु आपके चैलेंजेस में, आपकी मुश्किलात में वो मौजूद होता है तो फिर वो मुश्किल मुश्किल नहीं रहती। जब यीशु आपकी जिंदगी में आ जाएगा, जब वो आपके खानदान में आ जाएगा, जब वो आपकी कलीसिया में आ जाएगा तो फिर कोई मुश्किल मुश्किल नहीं रहती। दूसरी जो बात है इस टेक्स्ट के हवाले से, We need to accept the plan of our Savior, Lord Jesus Christ. In your trouble, you are trying to find out your own solution. कल हमने सीखा कि मुझसे जुदा कर तुम कुछ नहीं कर सकते। If you want to accomplish your dreams, your plans, there is a challenge. There is an experience of rejection. There is a problem of disappointment. There is a problem with the inadequacy in your life. But in all sort of situation, when you are following the plan of God, जब आप खुदावन के जो मंसूबे हैं, जब आप उनको पूरा करते हैं, खुदावन जो कहता है हमें वो करने की जरूरत है। तो मुकस्सा मां मरियम ने लोगों से कहा कि जो वो कहता है वो करो, जो तुम्हारा मन कहता है वो ना करो, जो यीशु कहता है वो करो। बड़ी सफाई को उसने, उसकी मां मरियम ने खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो।
मैं यहां पर मुकस्समा मरियम की जो रिस्पेक्ट है, जो स्टेटस है, उसको हरगिज मैं उसको कम नहीं कर रहा। लेकिन अजीजो, हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि देयर इज ओनली वन मीडिएटर अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। योना का पहला खत, उसका दूसरा बाब, आए मेरे बच्चों गुनाह ना करो, अगर तुम गुनाह करते हो तो ये जानो कि तुम्हारा एक दरमियानी है, यानी मसीह यीशु जो इंसान भी है। इंसान खुदा के दरमियान सिर्फ एक मीडिएटर है। और मुकस्समा मरियम वहां पर कहते हैं कि जो यीशु कहता है वो करो। अजीजो, क्या जो यीशु हमसे कहता है वो हम करते हैं, या जो हमारा मन कहता है वो करते हैं? और फिर हम कहते हैं जी हमें कामयाबी नहीं हो रही, हम कामयाब नहीं हो रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो। अजीजो, हमें खुदावन को काम करने का मौका देना चाहिए। मैंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी और मैं आज उसको फिर दोहराना चाहता हूं, बिकॉज दैट स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी रूहानी तरक्की में बहुत ही कारामद है, एंड आई लर्न लॉट फ्रॉम दैट स्टेटमेंट। वो क्या है? फ्री विल, आजाद मर्जी। दैट फ्री विल इज वेरी डेंजरस एंड वेरी ब्लेस्ड गिफ्ट फ्रॉम गॉड। डेंजरस इसलिए है कि आप जब अपने इस आजाद मर्जी को, अपनी इस आजाद मर्जी को आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये यकीनन खुदा की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन जब आप इस आजाद मर्जी को अब्यूज करते हैं, इट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है। खुदा भी इस मसीह चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में उसकी मर्जी को पूरा करें। हर रोज हम दुआएबानी पढ़ते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, ऐसे जमीन पर भी हो। तो खुदावन की मर्जी को पूरा करना जो है, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। तीसरी बात जो कि और ज्यादा मैं समझता हूं कि जरूरी है, वो ये है कि खुदावन चाहता है कि आप उसके साथ मिलकर काम करें। खुदावन ने कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो। खुदावन चाहता है कि आपके पास क्या है, आप उसको खुदावन के पास लाएं। योर टैलेंट, योर गिफ्ट, योर रिसोर्सेज, व्हाटएवर यू हैव, यू नीड टू ब्रिंग टू क्राइस्ट। एक छोटा लड़का जिसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां थी, उसका फेथ, उसका ईमान, उसका कंसर्न आप देखिए कि उसने वो रोटियां शागिर्दों को दे दी। शागिर्द कहते हैं हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है, वी कांट डू दैट, इट्स लार्ज क्राउड, इतने ज्यादा लोगों को हम रोटियां कहां से ला कर दें। खुदावन कहते हैं इनको कुछ खाने को दो। नहीं, हमारे पास तो पैसे नहीं है, वी डोंट हैव इनफ मनी। लंका इस भीड़ में देखो इसके पास कुछ है। उस लड़के ने कहा जी हाँ, ये मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां। खुदावन ने उसको लिया, उस पर बरकत चाही और उनको बांट दिया। क्रिएशन हो रही थी, उन रोटियों को बांट दिया और एक बहुत बड़ी भीड़ को खुदावन ने शेयर किया। वहां पर 5,000 का जिक्र, लेकिन 5,000 सिर्फ मर्द जो थे उनको काउंट किया गया था, औरतों और बच्चों को नहीं काउंट किया गया था। यहूदी औरतों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे, वो कंसिडर नहीं करते थे। तो खुदावन ये चाहता है, इफ यू वॉन्ट टू सी द मिरेकल इन योर लाइफ, आपके पास क्या है, अगर आप खुदावन का काम करना चाहते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ द गिफ्ट यू हैव। आपके पास हर एक शख्स जो है वेरी गिफ्टेड। खुदावन ने सबको कोई ना कोई नियमत बरकत जो है दी हुई है, उसको खुदावन के पास लाए, उन रिसोर्सेज को खुदावन के पास लाए। खुदावन मेरे पास ये है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 वाक्यात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अपने मिनिस्ट्री के हवाले से। जब मैं गुजरांवाला में अलीपुर चट्ठा में था, तो मैंने वहां पर खिदमत का आगाज किया। पास्टर्स नहीं था, मैं सेमिनरी में रहता था, वहां से जाता था, और मैंने वहां पर लोगों से कहा कि हम इस पास्टर्स को तामीर करेंगे। और लोगों ने, बेचारे गरीब लोग थे जो टांगा चलाने वाले थे, अगर वो शाम को जब वापस आते तो 5 रुपए 10 रुपए वो अलग से रखते थे। और वहां पर हमने सबने मिलकर उन पैसों को इकट्ठा करना शुरू किया। और फिर खुदावन ने हमें इस काबिल किया कि हम वहां पर एक खूबसूरत पास्टर जो है बना पाए।
जो कुछ लोगों के पास उन्होंने खुदावन के पास उसको लेकर आए, देवर पुअर पीपल, गुजरांवाला में ही रावली कंटोनमेंट में जब उन्होंने चर्च बनाना शुरू किया, एक बारात आई और उस बारात में आप देखते हैं लोग जो गिफ्ट देते हैं, स्मॉल गिफ्ट जो उन्होंने दिया, और मैंने जो चर्च के ट्रेजर थे उनको कहा कि आप जाकर अकाउंट खुलवा लें, और चर्च का जो ट्रेजर था वो भी गरीब लड़का था, जब वो गया तो जो बैंक का मैनेजर था जो भी वहां पे होगा शख्स अकाउंटेंट वगैरह, उसने उसको मजाक किया, उसने कहा जी आप क्रिश्चियन है तो डॉलर लेकर आए। खैर उसने आकर मुझे बताया, और मैं ये टेस्टिमनी आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि जब मैं 94 में अमेरिका गया और मैंने फंड रेजिंग की, तो वहां से जब मैं डॉलर लेकर आया तो मैंने उस ट्रेजर को कहा कि जाकर तो आप ये जमा कराएं, और शख्स के मुंह पर आप उसको कहें कि ये देखें आपने खुदावन को मजाक किया था, हियर आर द डॉलर्स। खुदावन के लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है, वो नामुमकिनात का खुदा है। विद इन टू प्रेज द लॉर्ड विद इन टू मंथ्स वी वर एबल टू रेज 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपया हमने 2 महीनों में रेज किया, और अब वहां पर खुदावन का बड़ा खूबसूरत गिरजाघर है। खुदावन कहता है कि आपके हाथ में क्या है लाएं उसको दें, जो हमारे पास होता है हम उसको छुपा कर रखते हैं, और जिसके पास दमड़ी थी उसने वही खुदावन के घर में पेश कर दी, खुदावन उसको कबूल कर लिया। आपके हाथ में क्या है, अगर वो मटके खाली हैं, मटके तो हैं, उनको लाएं खुदावन के पास, उनको खुदावन भर देगा, उनकी तासीर को तब्दील कर देगा। आपके पास क्या है, जो हमारे पास होता है हम उनको क्या खुदावन के पास लाने के लिए तैयार हैं या नहीं। फिर ये बात भी याद रखिए, कभी गिव अप ना करें, नेवर गिव अप। हेलन केलर जो थी ब्लाइंड वुमन, एक अंधी खातून से बड़ी अच्छी पोइट्री भी की, वो कहती है कि और एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, शी वॉज ब्लाइंड, कहती है कि हमारा जो रवैया है वो गूंगी, वेरी ब्लाइंड, वेरी औरत, अंधी औरत, उसकी पोइट्री बड़ी खूबसूरत, सॉरी वो गूंगी नहीं थी, डेफ थी एंड ब्लाइंड थी। उसी जो हमारा जो रवैया है टुवर्ड्स अवर इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स, उसको हमें देखने की जरूरत है। गुर्बत और फ्लास, मुश्किलात, यकीनन ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन खुदावन जो है वो जब हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की भी दहशत नहीं होनी चाहिए। खुदावन जो है वो हमें सैर आसुदा करता है। ये बात खुदावन के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। खुदावन जो है ईसा उसका 55 बाब बड़ी खूबसूरत आयत है, आए सब प्यासों पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना आओ मोल और दूध बेजरबे कीमत खरीदो। मे बी वी आर लाइक एम्प्टी वेसल्स, खाली मिट्टी के बर्तन है हम। और पौलुस रसूल कहता है दूसरा कुरिन्थियों का 4:7 में, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा गया, ताकि हद से ज्यादा खुदा की कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। वी आर द एम्प्टी वेसल, हम खाली बर्तन हैं। बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जो कि बाहर से बड़े खूबसूरत नजर आते हैं लेकिन अंदर से खाली है। खुदावन ये चाहता है कि वो इन बर्तनों को तब्दील कर दे, ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स अ रोल ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा का कलाम इसको पानी से तशबीह दी गई है। गॉड वॉन्टेड टू फिल दीज एम्प्टी वेसल विद हिज वर्ड, खुदावन अपने कलाम से आपको भरना चाहता है, वो आपको खुशी देना चाहता है। दिस इज द जॉय इन द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम में
ये कुदरत है, ताकत है, हमें खुशी बख्शता है। खुशी बख्शता तेन कर देना बड़ा खूबसूरत जरूर है। खुदावन जो है वो हमें खुशी बख्शता है। खुदावन का कलाम बताता है जो कोई खुदावन पर भरोसा रखेगा कभी शर्मिंदा ना होगा, जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। खुदावन जो है वो मेरी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहता है। और जब खुदावन आपकी जिंदगी में काम करेगा तो लोग हैरान होंगे कि ये वही था, ये वही खाली बर्तन है जो खाली था, खुदावन इसको कैसे भर दिया। लोग हैरान होंगे, मेरे मजलिस हैरान हो गया, ये क्या है, ये कैसी मैं है, ये कैसी जिंदगी है। पीपल विल बी सरप्राइज। पौलुस रसूल जो कि लोगों को मारता था, कैद में डालता था मसीहों को, फिर जब खुदावन ने उसकी जिंदगी में काम किया, जब खुदा के रूह ने उसको भर दिया, तो वही जो मारने वाला था मार खाने वाला बन गया। वही पतरस जो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, जब खुदा के पाखरू से भर गया, वो लोगों के सामने खड़ा होकर लोग खुदा की गवाही देता है। देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, और ये उसकी दावत है, आलमगीर दावत है। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरे पास आओ खाली बर्तनों, मैं तुमको भर दूंगा। पीपल विल बी अमेज्ड, हैरान होंगे कि कौन है। अजीजो, खुदावन आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, खुदावन आपकी जिंदगी में मौजा करना चाहता है, वो आपकी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है। He got the power, He's a redeemer, हवा और पानी उसका हुक्म मानते हैं। खुदावन जब कश्ती में थे, सो रहे थे, शागिर्द डर गए, तूफान आ गया, पानी कश्ती में भरना शुरू हो गया, खुदावन उठे और उन्हें हवा और पानी को डांटा और तूफान थम गया। Got the power to change the essence of the water. उसे पानी को कहा बदल जा, और वो पानी जो है वो मैं में बदल गया। खुदावन आपकी इज्जत बढ़ाना चाहता है, वो आपको महफूज करना चाहता है। He got the authority and power. अगर आप मायूस हो चुके हैं, अगर आप समझते हैं कि गैर कौमों में, दूसरे लोगों में आपके लिए खतरा है, मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन खुदावन जानता है आपकी मुश्किल को। आखिर में मैं एक छोटा सा वाक्या बाइबल मुकद्दस में से आपके साथ बांटना चाहता हूं, अबाउट द पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ अवर गॉड, ऑलमाइटी गॉड। बनी इसराइल जब निकले मिस्र से, बहर कुलज़म के किनारे खड़े थे, और हम देखते हैं कि पीछे शरीर थे, रथ थे, फिराउन के दौड़े चढ़े आ रहे थे उन पर। लोगों ने घबरा कर मूसा से शिकायत करना शुरू कर दी कि तुम्हें मारने के लिए यहां पर ले आया है, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी। और मूसा उनसे कहता है खामोश रहो, चुपचाप खुदावन के काम को देखो, यही मिस्री जिनको आज तुम देखते हो फिर कभी ना देखोगे। और उसने पानी लाठी मारी खुदावन के कहने पर, और बहरे कुलज़म दो हिस्से हो गया, और खुदावन के लोग उस खुश जमीन पर से चलकर निकल गए, और फिरौन की फौजें उस पानी में तबाह और बर्बाद हो गई। हवा और पानी उसका हुक्म मानते हैं। खुदावन आपके लिए रास्ते बनाता है, खुदावन आपके लिए रास्ते खोलता है, खुदावन सब कुछ करने पर कादर है। वो कादरे मुतरिक है, वो कदूस है, वो पाक है, सब कुछ उसके कब्जा इख्तियार में है। उसे वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है।
आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात हो। कम टू क्राइस्ट, खुदावन यीशु मसीह के पास आए, खुदावन आपको बहाल करेगा, वो उन खाली बर्तनों को भर देगा। अगर आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, कोई भी आपकी समस्या है, खुदावन उसको दूर करेगा, खुदावन आपकी मदद करेगा। पानी को मैं में बदल सकता है, वन थर्ड वाटर है हर इंसान की जिंदगी में, हर जिस्म में, आपकी जिंदगी में वन थर्ड, आपके बॉडी में वन थर्ड वाटर है, खुदावन उसको भी तब्दील कर सकता है, उसकी तासीर बदल सकती है। खुदावन यीशु मसीह ने सामरियों से कहा था कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तेरे जिंदगी का पानी देता जो तेरे अंदर एक चश्मा बन जाता। वो पानी जब आपकी जिंदगी में आ जाएगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। खुदावन यीशु मसीह जिंदगी का पानी है। मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, ये जो बातें हैं ना, प्लीज इनको इस तरीके से ना किया करें, अपने जाती मफादात के लिए, अपनी जुबान के जायके के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए आप कलाम को ना इस्तेमाल किया करें। अच्छा जी, बाइबल कदस में लिखा है कि चलो जी मेदे की खाबी के बाय समझ में ला लो और खुदा मसीह ने जो है वो मैप बनाई थी। प्लीज प्लीज इसकी ऐसे तफसीर ना किया करें, ऐसी बातें ना किया करें। बाइबल कदस बड़ी सफाई से कहती है कि जो शराबी है, जो शराब पीने वाला है, वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होगा। नशा करने वाला, शराबी, झूठ बोलने वाला, गाली देना, ये छोटी सी आप कह रहे हो, छोटी सी गाली नहीं है ना, लेकिन मैं सिर्फ जो है ना आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। नापाक, निजस कोई भी जो है वो वहां पर दाखिल नहीं होगा। इसलिए खुदा मना करता है। खुदा ने वहां पर जो है वो मौजा जो दिखाया, दिखाया कि इसलिए उसका जलाल जाहिर हो। खुदावन ने जितने मौजात किए उनमें इसलिए कि खुदावन का जलाल जो है वो जाहिर हो। इसलिए नहीं कि आपको कन्वीनियंस मिल जाए, आपको सहूलत मिल जाए कि अच्छा भाई आइंदा आने वाले दिनों में ये मैं एक जो है वो म्यार सेट कर रहा हूं, ठीक है जी पीते रहना और कोई बात नहीं, अगर कोई आपको कुछ कहे तो ये हवाला दे लेना, ये होना कंजीली में उसका दूसरा बाप है, मैं बनाई थी तो इसलिए मैं भी पी रहा हूं। भाई मुकदस कहते जो मरने के करीब हो उसको शराब पिलाओ ताकि उसकी तलखी जो है वो कम हो जाए। तो किसी वक्त मैंने बल्कि एक वीडियो जो है वो शेयर भी की थी अल्कोहल के बारे में, तो जरूर उसको देखिएगा क्योंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहता इस टीचिंग को। तो जरूर आप जाइए यूट्यूब पे और इस वीडियो को दीजिए देखिए अल्कोहल के बारे में जो मेरी टीचिंग है। तो हम आज खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हम जो है वो हमारी मुश्किलात में, हमारी परेशानियों में, हमारे चैलेंजेस में वो हमारे साथ है। तो कैसे आपने इन चैलेंजेस का सामना करना है, आपने जो खुदावन कहता है वो करना है और खुदावन को कभी भी आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना और खुदावन के जो वादे हैं उनको यकीन करना है, उन पर भरोसा करना है और खुदावन के जो प्लान्स हैं उनको आप अपनी जिंदगी में उनको देखें परखें और खुदावन को मौका दें कि वो आपकी जिंदगी में रहे, आपके खानदान में रहे, आपकी कलीसिया में रहे। एंड यू विल सी द मिरेकल इन योर फेलियर, गॉड विल वर्क फॉर योर सक्सेस। मे गॉड ब्लेस यू एंड बी विद यू। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू मौजज़ात का खुदा है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि हवा और पानी तेरा हुक्म मानते हैं। प्यार खुदावन तू चुके तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। प्यार खुदावन बहुत बार जिंदगी में हम मायूस हो जाते हैं, खुदावन हम तुझसे दूर चले जाते हैं, लेकिन प्यार खुदावन तू जब हमारी जिंदगी में आता है तो प्यार खुदावन तमाम तरह की मायूसी को दूर कर देता है, तमाम तरह के गम को दूर कर देता है, तमाम तरह की नाउमीदी को दूर कर देता है। ऐ प्यारे खुदावन अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और प्यारे खुदावन हमारे रवैये को, हमारी सोच को तब्दील कर ताकि खुदावन हम तेरी कुदरत को जाने और तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें।
तेरा खुदावन हम इस पर दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि मुसीबत ज्यादा हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, खुदावन उनके साथ हो, हर एक की परेशानी को, मुश्किल को खुदावन दूर कर, हम सबको बड़ी बरकत दे और आज का तमाम दिन तू हमारे साथ हो। हम अपने सारे आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स को तेरे सामने रखते हैं, उनके लिए तेरे पाक की रहनमाई चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, खुदावन तो हम सबके साथ होना, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे पाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहिए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, सपने सुवरों को माफ कर दे, तू मैं माफ कर, मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, के बाद से कुदरत जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा गर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा, पर फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की फाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको जाते जाते ये बताना चाहता हूँ कि 24, 25 और 26 जून को जो हमारी यूरोपियन एशियन क्रिश्चियन कन्वेंशन हो रही है हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में, जिसका एड्रेस है 309 विक्रेट फार्म रोड हेस्टन TW50DR, इस कन्वेंशन के जो मेन स्पीकर हैं वो डॉक्टर मसूद कामिल होंगे, जो कि भाई सब डायरेक्टर हैं अरिता इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट है उसके वो डायरेक्टर हैं। तो फ्राइडे शाम को हम उनकी रिसेप्शन करेंगे, क्योंकि PhD की जो उनकी कॉन्वोकेशन है वो भी होने को एक्सपोर्ट में, तो तमाम पास्टर्स को जो जो यूके में उनको मैं दावत देना चाहता हूँ, शाम को लीडरशिप पास्टर कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद सैटरडे को दो सेशन होंगे जिसमें भाई सब मेन स्पीकर होंगे, और फिर संडे को हम जो हमारी संडे की जो बात है उसमें भी खुदा का पाक कलाम जो है पेश किया जाएगा। तो आप जरूर आए और बरकत पाए अजीजो, बातों को अपनी दुआओं में भी याद रखें। और फिर मैं एक बार आपको मधु करना चाहता हूँ, हमारी जो 35th जो एनिवर्सरी है हमारी मिनिस्ट्री की, जिसमें 35 साल हो गए हैं हमें खुदा की खिदमत करते हुए, तो आप आइए हमें ज्वाइन कीजिए। ये प्रोग्राम जो है ये 2 बजे शुरू होगा और इसमें जो रेवरेंड डॉक्टर एंड्रयू प्रसाद हैं जो हमारे प्रीवियस मॉडरेटर हैं वो खुदा का पाक कलाम पेश करेंगे, तो जरूर आप आए और कलाम भी सुने और प्रेज एंड वर्शिप, आप देखें हमारी खूबसूरत क्वायर है तो आप जरूर इस प्रेज एंड वर्शिप को भी इंजॉय करेंगे। तो अगर आप संडे को आना चाहते हैं तो नॉर्मल जो हमारी संडे की वर्शिप होती है सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और फिर 2 बजे उर्दू हिंदी में हम ही बात करते हैं। तो एड्रेस में एक बार फिर बताया देता हूँ, 309 विक्रेज फार्म रोड हेस्टन हंसलो TW50DR, और जो ट्रेन स्टेशन है हंसलो वेस्ट जो है वो करीब तरीन जो ट्रेन स्टेशन है वो हमारे चर्च के करीब है, और आप आए हीथ्रो एयरपोर्ट से भी हम ज्यादा दूर नहीं है, तो जो कन्वेंशन कर जाते हैं अकोमोडेशन के सिलसिले में अगर उनकी मुश्किल है तो जरूर मुझसे रब्ता करें, हम उनकी मदद करेंगे और आप जरूर आए और इन तमाम इवेंट्स में आप शामिल हों। खुदावन में खुश रहें और दूसरों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। कीप वॉचिंग बाइबल TV ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू। बाय।